अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में देशी विदेशी कंपनियों के बीच हुआ रोजगार मेले का आयोजन, मंत्री राजेंद्र शुक्ल रहे मौजूद। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के पहले मॉडल कैरियर स्किल सेंटर का शुभारंभ प्रदेश के ऊर्जा एवं खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। इस मौके पर देश की कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने रोजगार मेले का आयोजन भी किया। CII मॉडल कैरियर एंड स्किल सेंटर में युवाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनको भविष्य में रोजगार उपलब्ध हो सके। 3 से 3,500 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ और 1,000 दिनों रोजगार मेला लगा था और रोजगार मेला लगा, लेकिन अटल जी की उपलब्धि है और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रयास से, उनके पहल से एक जो सेंटर है यहाँ पर आज शुरू हो रहा है। मैं इसके सफलता की कामना करता हूँ और जो अपॉर्चुनिटी यहाँ से क्रिएट होंगी, रोजगार के जो सृजन होंगे, कंसल्टेशन होगी आप लोगों की, वो अपने आप में बड़ी अनुपम और अनोखी होती है। छिंदवाड़ा में बड़ा क्लोजली, क्योंकि जब हमने देखा कि बहुत ही जो रिजल्ट है, आउटपुट है, बहुत ही सटीक है और एकदम सकारात्मक है, तो मैं स्वयं कलेक्टर के रूप में बार बार इस सेंटर में जाता था कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, सफाई की, पानी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और बाहर से जो हमारे फैकल्टी आती हैं उनको कोई असुविधा ना हो, तो उनको हम देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि रोजगार मिलता है। जब रोजगार मिलता है तो पूरा परिवार जो है उसका उड़ जाता है। हम जब हमारा यूथ पढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं एक दिशा की ज़रूरत है, रोजगार पाने की ज़रूरत होती है, और लोग फिर भोपाल जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, पुणे जाते हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहीं पर गाइडेंस के माध्यम से अवेलेबल हो जाएंगी और आपको एक ऐसा रास्ता मिलेगा रोजगार का, जो कि आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा, आपकी फैमिली को आगे बढ़ा देगा। रीवा के लिए और बिंदे के लिए ऐतिहासिक दिन है। बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी और सबसे जटिल समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश में रोजगार के लिए अवसर नहीं है। जिनके पास रोजगार है उनको एम्प्लॉयज की परेशानी है, और जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है वो रोजगार के लिए परेशान है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमजोरी है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया का मिशन चलाया हुआ है। पूरे देश भर में तमाम तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, जिससे ये गैप कम हो जाए और जिसको आदमी चाहिए उनको आदमी मिल जाए, और जो बेरोजगार घूम रहे हैं थोड़ा स्किल्ड हो जाए तो उनको रोजगार मिल जाए, तो ये समस्या ही समाप्त हो जाए। इस गैप को कम करने के लिए सबसे विश्वसनीय संस्था यदि पूरे देश भर में कोई है तो वो CII है। इसके लिए मैं आशीष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।